नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज यानी कि 29 अगस्त को मैथ्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस की जो अभी तक हमें मिले हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज लाती रहती हूँ, तो आप उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो टेबल तथा तीन कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपये है और तीन टेबल तथा दो कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपये है तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है क्या कि दो टेबल है और तीन कुर्सियां हैं तो हम इसे 2T+3 चेयर लिख देंगे। इनका मूल्य आपको दे रखा है 3500 रुपये और आपको क्या कर रहा है कि तीन टेबल और दो कुर्सियों का मूल्य कितना है तो 4000 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है एक टेबल का मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको एक टेबल का मूल्य पूछ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेयर को इक्वल कर देते हैं तो चेयर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर के इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे के इक्वेशन में 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 टेबल + 6 चेयर का मूल्य हो गया 7000। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया तो 9 टेबल + 6 चेयर का मूल्य हो गया कितना तो 12000। अब यहाँ से हम माइनस 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 कर दिए तो चेयर से चेयर कैंसिल तो हमारा आ गया -5 टेबल = -, आपका कितना हो गया तो ये हमारा आ जाएगा -5000। तो हमसे पूछ रहा है 1 टेबल का मूल्य तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5000 से हमारा ये आ गया 1000 रुपीज़ आ जाएगा। 1 टेबल का मूल्य हो गया हमारा 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमसे पूछा था यही एक टेबल का मूल्य तो वो तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज से कह रहे किसी वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये सारे क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट के हैं। कह रहे कि किसी वस्तु की कीमत में हमने 30% की वृद्धि किया है तो उसके खपत में कितने की कमी करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप देखो 30% का अगर हमने इंक्रीज किया है तो अगर 100 रुपये की वस्तु है उसमें हम 30% की इंक्रीज कर देंगे तो 130 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे ये जो आया 130% की इंक्रीजमेंट आ गई, यानी कि हमने इसमें इंक्रीज की कितने का किया तो हमने इसमें 30 यूनिट का इंक्रीज कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है इसके खर्च में कितने की कमी कर जाए उसके खपत में कि कोई परिवर्तन ना हो। तो 30 / 130 × 100 तो 0 से 0 कैंसिल तो हमारा आ गया 300 / 13% हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है टाइम एंड वर्क से, यदि 4 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में करते हैं तो 7 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसी आपका पूछ लिया है। MDH से आपके डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हमारा डेली जो हम इसके पहले भी बिकॉज आपको पता होगा कि ALP का ये हमारा बहुत दिन का एग्जाम हो चुका है, अब बस आपको 29, 30 और 31 बाकी है। तो प्रीवियस डे के आप अगर हमारे एनालिसिस देखो तो उसमें हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं बिकॉज ये सारे क्वेश्चन कोई कोई है कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहा है तो हम इसमें वही देख रहे हैं। अगर 4 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो काम को 21 दिन में करता है तो हम इसे बनाते हैं कौन से फॉर्मूले से, हमने आपको बताया तो MDH के फॉर्मूले से। MDH का फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 बराबर हो जाएगा किसके तो M2D2H2 के, जहाँ कि M हमारा कितना हो गया कितने लोग हो गए इसे हम कह सकते हैं मैन, D मतलब हमारा हो गया डे कितने दिन और H का मतलब आवर। तो ये सारा हमारा दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर लो। कह रहे हैं 4 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 4 और कितने दिन में तो 21 डेज में मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू हमारा हो गया कितना तो 7 व्यक्ति, D2 नहीं मालूम और 4 आवर्स तो हम यहाँ से D2 निकाल लेंगे। D2 इक्वल टू हो गया 4 × 21 × 6 / 7 × 4, 4 से 4 कैंसिल और ये 3 टाइम्स तो हमारे कितने दिन आ गए तो 18 डेज आ गए, 18 डेज में काम खत्म हो जाएगा हमारा। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन हमें पता चले है। कह रहे हैं कि 2 बिंदु है, A का निर्देशांक है 2, 3, B का निर्देशांक है 5, 6 और अगर इंटरनली डिवाइड करता है 3:1 में तो हमसे पूछ रहा है कि इंटरनली डिवाइड करेगा तो कहाँ पर करेगा। जैसे कि एक लाइन है यहाँ पर AB इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:1 में, इस तरीके से अगर डिवाइड किया 3 और 1 में तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमसे पूछ रहा है। तो इसका आपको एक फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले को आपको देखना होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है तो हमारा होता है एम एक्स की निर्देशांक की बात करें तो M1 X2
प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है एम वन प्लस एम टू। वाई के निर्देशांक की बात करें तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू बाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। और अगर हमारा एक्सटर्नली करें तो माइनस हो जाता है, तो हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पे बना देंगे तो हमारी निर्देशांक क्या हो जाएगी, तो एम वन हमारा क्या हो गया, इसे हम एम मान एम वन मानेंगे और इसे एम टू, तो एम वन हमारा हो गया थ्री एंड एक्स वन की बात एक्स टू की बात करें तो फाइव हो गया, तो थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस उसी तरीके से हमने एम टू की बात की तो वन मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू फाइव। और अगर एम वन बाई टू की बात करें तो एम वन बाई टू हमारा हो गया थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस हमारा एम टू बाई वन, तो एम टू कितना हो गया तो वन मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव। तो हमारा कोऑर्डिनेट की बात करें, पी की बात करें तो पी हमारा क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट इसकी, तो फिफ्टीन प्लस टू डिवाइडेड बाई फाइव एंड एटीन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव, तो हमारा आ गया कितना, तो ये हमारा हो जाएगा सेवनटीन डिवाइडेड बाई फाइव एंड ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई फाइव हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई हमारा फोर हो जाएगा, थ्री प्लस वन तो हमारा फोर हो गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया सेवनटीन बाई फोर ट्वेंटी वन बाई फोर आपका आंसर हो गया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहत्तर में किस चीज किस संख्या की चीज से गुना करें कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, 72 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 72 को आप सबसे इजी वे हमारा क्या हो जाता है कि आप इसे फैक्टोराइज कर लो ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 36 कर लिया 2 से किया, फिर से हमारा 18 हो गया, फिर 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 33। तो आप यहाँ पे देखो 33 तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, 22 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कमी किस चीज़ की है तो 2 की है, तो यानी कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप 72 मल्टीप्लाई बाई 2 करके देखो तो 144 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, तो 12 का। तो आपको सबसे इजी वे क्या है कि आप इसे फैक्टोराइज कर लो और जिससे मल्टीप्लीकेशन बाकी है वो हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन, यहाँ पे हमने टाइप नहीं किए वो सारे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिंपली आपके क्वेश्चन है, वो भी दो तीन क्वेश्चन आपकी अभी बाकी है, हमने 5 क्वेश्चन करवाया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं आपके 40 डेज में, बी और सी की बात करें तो बी और सी करते हैं 30 डेज में एंड सी प्लस ए की बात करें तो 24 डेज में। तो हमारा पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको क्या बताया कि आप एलसीएम ले लो, ए प्लस बी का आपका है 40, बी प्लस सी का दे रखा है 30, सी प्लस ए का दे रखा है 24, तो हमने एलसीएम लिया तो हमारा हो गया 120। अब हम इसे एलिगेट करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 40 आपका हो जाता है कितना 3 एंड ये 4 एंड ये 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ए बी और सी ये हमारा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का ये हमारा वन डे का वर्क आ जाएगा। कैसे, 120 को हम मानते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे 120 यूनिट, 3 4 एंड 5 हमारा हो गया इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता। ए और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट करेंगे, बी और सी 4 यूनिट और सी और ए 5 यूनिट, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट यानी कि 6 यूनिट। तो अगर तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो हमारा हो गया 20 डेज लगेगा इस काम को खत्म होने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारा है, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को हमारा करता है 12 डेज में, बी करता है 18 डेज में और दोनों मिलकर अल्टरनेट वर्क करते हैं, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, अल्टरनेट डे पे वर्क करते एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, इस तरीके से अल्टरनेट वर्क है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इसके लिए भी आपका इजी वे क्या है कि आप एलसीएम ले लो, टाइम एंड वर्क एक क्वेश्चन है, एलसीएम ले लिया, 12 एंड 18 का एलसीएम हो गया 36। अब हम इसे एलिगेट करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 12 3, 36 डिवाइडेड बाई 18 2, तो ये हमारा क्या आ गया, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया हमें टोटल वर्क इसे मान लेते हैं कि हमें 36 यूनिट करने थे, 3 एंड 2 हमारा हो गया वन डे का वर्क इफिशियंसी जिसे बोल सकते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, यानी कि दोनों दो दिन की अगर काम की बात करें तो दो दिन में 5 यूनिट वर्क खत्म होता है, तो हमारा उसी तरीके से
हम अगर इसे देखें तो 5 में हम 36 के क्या इर्द गिर्द मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7, तो 35 यूनिट होगा। तो हम 2 में भी तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने किया तो 14 डेज में हमारा 35 यूनिट वर्क खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है 1 यूनिट वर्क, तो आप देखो तो हमारे पास बी का तो आ गया, तो नेक्स्ट डे ए वर्क करेगा 15 डेज में, 15th डे ए वर्क करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट करता है, हमें 1 यूनिट कर रहे हैं, यानी 15th डे में हमारा 1/3 यूनिट ही वर्क होगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा, सॉरी 1/3 नहीं, 14th डे में तो हमारा 1 यूनिट ही वर्क होगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 डेज लगेगा। तो हम कह सकते हैं 14 + 1/3 डेज लगेगा काम को ख़त्म करने में, तो 14 and 1/3 डेज में हमारा अल्टरनेट काम खत्म करे तो खत्म होगा। अब अगर आपका यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है कि बी काम शुरू करे, तो बी काम शुरू करे तो आपका यहाँ पे 2/3 हो जाता, बस आपका बाकी चीज़ सेम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।